जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक चॉकलेटी डेजर्ट की रेसिपी। आज हम बनाएंगे चॉकलेट पुडिंग, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमने यहाँ पर आधा लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। अभी हमने गैस की फ्लेम को ऑन नहीं किया, पहले हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करके अच्छे से मिला लेंगे, फिर हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। तो हमें इसमें 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है और 4 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड करेंगे, और इसी के साथ हमें इसमें चीनी ऐड कर देनी है। तो हमने 7 टेबलस्पून चीनी ली है। अगर आपको ज़्यादा मीठा रखना है तो आप चीनी की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह मिलाएंगे कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रह जाए। तो इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है और अभी आप देख सकते हैं कि इसका कितना स्मूथ मिक्सचर बनकर तैयार हुआ है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। और अब हमें गैस की फ्लेम ऑन कर देनी है और मीडियम फ्लेम पर इसी तरह इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो इसे इसी तरह लगातार चलाते हुए हमने मीडियम फ्लेम पर सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाया है और आप देख सकते हैं कि इसमें एक गाढ़ापन आ गया है। अभी हमें इसे कुछ देर तक और पकाना है। तो इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुकी है और ये इसकी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इस तरह की हमें इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। और इस स्टेज पर हमें इसमें ऐड कर देनी है फ्रेश क्रीम। तो हमने 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ली है। क्रीम यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिला लेंगे और क्रीम ऐड करने के बाद हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो हमने इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए और पका लिया और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इस स्टेज पर हमें इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड कर देना है। तो तकरीबन 8 से 10 बूंद हमें इसमें वनीला एसेंस की ऐड कर देनी है और फिर से इसे मिला लेंगे। और अब हमें इसे तुरंत किसी कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो इस तरह से हमने इसे कांच के बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है और अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा कर लेंगे और इसे 2 से 3 घंटों के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। पुडिंग को फ्रीज़ में रखे हुए 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और अब हम इसे गार्निश करेंगे। तो गार्निशिंग के लिए हम इसमें थोड़ी सी फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे। वैसे यहाँ पर आप इसमें गार्निशिंग के लिए फ्रेश क्रीम ना ऐड करना चाहें तो थोड़े से चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह हमने दूसरा बैच बनाया है, उसे हमने चॉकलेट चिप्स से गार्निश किया है। आपको हमारी चॉकलेट पुडिंग की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।